अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा है, उसके बारे में कुछ समझा है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस्तेमाल होने वाले एक डिवाइस जिसे इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये चार्जेस के रेस्ट पर होने के बारे में स्टडी है। फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव के रेस्ट पर होने के बारे में स्टडी करते हैं। सिमिलरली अगर कोई जिस्म चार्ज है या कोई बॉडी चार्ज है और हमें नहीं मालूम कि इसके ऊपर चार्ज किस तरह का है, या हमें ये भी नहीं मालूम कि आया कि वो बॉडी चार्ज्ड है या नहीं चार्ज, तो ये मालूम करने के लिए कि किसी बॉडी पर चार्ज है और वो चार्ज किस किस्म का उस बॉडी के ऊपर मौजूद है, कितनी स्ट्रेंथ के अंदर है, तो ये जो चीज़ मालूम करनी है ये हम इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से मालूम करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल चार्जेस ही है और स्कोप का मतलब होता है जानना, देखना या किसी चीज़ को, जैसे कि माइक्रोस्कोप होती है। माइक्रोस्कोप का मीनिंग ये होता है ना कि हम किसी भी छोटी चीज़ को देख सकें जो आम आँख से नज़र ना आए। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्कोप भी एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम किसी भी बॉडी के ऊपर मौजूद चार्ज और वो चार्ज किस टाइप का है, आया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आसानी से मालूम कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो हमें ये पता चल जाता है कि ये चार्जेस के रेस्ट पर होने की बात हो रही है, लेकिन चार्जेस किस किस्म के किसी बॉडी के ऊपर मौजूद हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो इसके पता लगाने के लिए जो एक डिवाइस बनाया गया उसे इलेक्ट्रोस्कोप का नाम दिया गया। इलेक्ट्रोस्कोप जो है, इलेक्ट्रोस्कोप बहुत सी टाइप की होती है, डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ की जाती हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप के इमेजेस हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप डिफरेंट टाइप की है। सबसे पहले जो इनिशियल इलेक्ट्रोस्कोप बनाई गई थी वो एक नीडल नुमा थी, एक नीडल टाइप थी, जिसे विरजोरियम इलेक्ट्रोस्कोप का नाम दिया गया था। विरजोरियम इलेक्ट्रोस्कोप। इसके बाद इलेक्ट्रोस्कोप की जो है आहिस्ता आहिस्ता से उसमें प्रोग्रेस होती गई और उसकी जो है वो शेप वो बहुत ज़्यादा डिवेलप कर ली गई। इलेक्ट्रोस्कोप की जो दो टाइप्स हैं जो ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, इलेक्ट्रोस्कोप की दो टाइप्स आती हैं, एक वो जिसे हम लोग पिटबॉल इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, एक हमारे पास पिटबॉल इलेक्ट्रोस्कोप है, इलेक्ट्रोस्कोप, और जो सेकेंड है वो हमारे पास गोल्ड लीफ है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। हम अपने इस सिलेबस में और आज की वीडियो में हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आखिर है क्या। इलेक्ट्रोस्कोप की कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरह से की जाती है कि इस इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर एक डिस्क इस तरह से बनी होती है, इस तरह से एक डिस्क बनी होती है हमारे पास यहाँ पर इस तरह से, और ये जो डिस्क है इसके नीचे एक रॉड होता है, और डिस्क और रॉड दोनों ही ब्रास मटीरियल के बने होते हैं, ये दोनों ही ब्रास मटीरियल के बने होते हैं, ब्रास मटेरियल, और ये जो चीज़ है ये हमारी डिस्क कहलाती है और ये वाली चीज़ जो है ये हमारी रॉड है। इन दोनों चीज़ों को एक ग्लास जार के अंदर रख दिया जाता है, जैसे कि इस तरह का एक ग्लास टाइप सा सिलेंडर नुमा होती है बॉडी, उसके अंदर हम इन दोनों चीज़ों को रख देते हैं। इस पॉइंट पर यहाँ पर हम लोग कॉर्क यूज़ करते हैं, एक रबर का कॉर्क यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने मोस्टली देखा होगा कि फिजिक्स के प्रैक्टिकल और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में आप टेस्ट ट्यूब लगाने के लिए, टेस्ट ट्यूब वगैरह लगाने के लिए आप मोस्टली जो है वो कॉर्क इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट ट्यूब नहीं बल्कि आप लोग जो है डिफरेंट टाइप की जो फ्लास्क वगैरह होती हैं उसके अंदर अक्सर आप जो हैं वो कॉर्क लगा के फिर उसके अंदर से आप जो है वो टेस्ट ट्यूब उसको जो है आपकी बारीक सी रोड होती है उसे गुजारते हैं फिर केमिस्ट्री वगैरह के प्रैक्टिकल्स में। सिमिलरली वही कॉर्क जो आप केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं वही कॉर्क हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया। इसके बाद इस रोड के साथ यहाँ पर दो गोल्ड के लीफ लगे होते हैं जिसकी वजह से हम इस इलेक्ट्रोस्कोप को गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। अब ये जो डिस्क और यहाँ पर एक और चीज़ होती है, यहाँ पर हम लोग जो है एक एलुमिनियम की फॉयल यूज़ करते हैं जिसे हम लोग सेफ्टी के पर्पज़ के लिए अर्थ के साथ ग्राउंड कर देते हैं। ये जो है एक एलुमिनियम फॉयल होती है। अब क्वेश्चन ये है कि इस पूरे के पूरे चीज़ को, पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्कोप को आखिर हम यूज़ किस तरह से करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोस्कोप को इस्तेमाल करने का फ़ायदा हमें ये होता है कि उससे आपको किसी भी चार्ज बॉडी का पता चल जाता है कि कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है, और उसके ऊपर अगर चार्ज है तो किस किस्म का चार्ज है। लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि इस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज है, अगर तो इसके ऊपर कोई चार्ज होगा तो ये भी हमें इलेक्ट्रोस्कोप से पता चल जाएगा, और अगर चार्ज नहीं होगा
तो भी हमें पता चल जाएगा, और चार्ज किस किस्म का है वो भी हमें पता चल जाएगा। फर्स्ट कंडीशन हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट्स से कि इसके ऊपर ये एक एबोनाइट की रॉड है जिसे हम लोगों ने फन के क्लॉथ से रब किया है, तो जाहिर है हमें मालूम है इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही मैं इस नेगेटिवली चार्ज एबोनाइट की रॉड को इस डिस्क के पास लाती हूँ, तो इस डिस्क में क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमिना अकर होता है। जैसे ही ये रॉड जो है इसके नज़दीक लाई जाती है इस तरीके से, हालत से कि मैंने ये रॉड इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक कर ली इस तरीके से, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज जो है ये ब्रास मटेरियल है, ये एक मेटल है, मतलब डिफरेंट मेटल से मिलकर एक ब्रास मटेरियल बना है। आपको मालूम है कि जो ब्रास है वो एक एलॉय होता है। यहाँ पर भी डिफरेंट एटम्स हैं, एटम के अंदर जो है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर, और वो पूरी की पूरी जो है बॉडी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट के साथ साथ पूरी की पूरी बॉडी के अंदर भी मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। तो जैसे ही आप इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इसके करीब लाते हैं, तो इंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉइंट से निकल कर इस पूरी की पूरी, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी दो हिस्से हैं। इस जिसको आप लेट्स से के अज्यूम कर लें ये पी है, और ये जो आपकी रॉड है ये क्यू है। तो आपके पी हिस्से से जो है इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं और आपके रॉड वाले हिस्से में जाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपके पी वाला हिस्सा है इस पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है, यानी कि डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इंडक्शन की वजह से इस रॉड में नेगेटिव आ जाता है। जब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाता है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है इन गोल्ड की फॉइल, गोल्ड की जो है हमारे पास लीफ, उन्हें ट्रांसफ़र हो जाता है। चूँकि ये दोनों लीफ इसके साथ कनेक्ट हैं, तो दोनों पर यही नेगेटिव चार्ज ही ट्रांसफ़र होता है। और आपको मालूम है कि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, जिसकी वजह से ये हमारे जो गोल्ड की लीफ हैं ये खुल जाती हैं। जबकि जब अगर नॉर्मल कंडीशन की बात की जाए ना, तो नॉर्मल कंडीशन में हमारे ये लीफ कुछ इस तरीके के होते हैं, आपस में इस तरीके के। लेकिन जैसे ही अब चूँकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, तो नेगेटिव चार्ज आने की वजह से, इंडक्शन की वजह से, ये जो है ये अपनी इनिशियल पोजीशन से इतना ज़्यादा इनमें फैलाव आ जाता है, क्योंकि अब इनमें नेगेटिव चार्ज आ गया है, और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से इनमें जो है फैलाव ज़्यादा हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले आऊँ, लेट्स से कि मैं ये कहती हूँ, मैं यहाँ पर अगर कोई ग्लास रॉड ले आती जिसे मैंने सिल्क के क्लॉथ से रब किया है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास कुछ इस तरह से होना था। इस सिचुएशन में लेट्स से कि मैं अब इसके पास एक ग्लास रॉड ले आई हूँ जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो अब इंडक्शन की वजह से चूँकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस पॉजिटिवली चार्ज हमारी ग्लास रॉड के साथ अट्रैक्ट करते हैं, उनमें जो है अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से इस पूरे रॉड से इलेक्ट्रॉन जो हैं इस डिस्क की तरफ मूव करते हैं, और क्यू पॉइंट से इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के इस डिस्क की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जिस हिस्से की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी इस डिस्क पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज इस रॉड में ट्रांसफ़र हो जाता है, और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इन गोल्ड की लीफ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं दोनों तरफ, जिसकी वजह से इनमें जो है वो फैलाव ज़्यादा आ जाता है और ये आपस में खुल जाती हैं। जैसे ही ये खुलती हैं, तब हमें मालूम हो जाता है कि ये बॉडी चार्ज है, और जैसे ही इनमें ज़्यादा फैलाव आता है, हमें ये भी पता चल जाता है कि ये कोई सिमिलर चार्जेस हैं। मीन्स ये कि अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आए, तो इंडक्शन की वजह से जाहिर सी बात है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर जो चार्ज आता है उसके लिहाज से आपको पता चल जाता है कि बॉडी के ऊपर उस वक्त कौन सा चार्ज है जब इसे आप डिस्क के करीब लाए हैं। इसी तरह अगर ये सिचुएशन हो, यहाँ पर तो हमें पहले केस में ये पता था कि ये वाली जो बॉडी है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, और यह एबोनाइट की रोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो जाए कि हमें चार्ज जो है वो मालूम करना हो कि बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो वो हम इस तरह से मालूम करते हैं। लेट्स से कि ये आपके पास अगेन वही इलेक्ट्रोस्कोप है, ये इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क है, ये उसकी रॉड, यहाँ पर आपके पास एक कॉर्क है जिसके ज़रिए इन्हें जोड़ा हुआ है, और ये आपकी जो है ये रॉड, और इसके साथ आपके दो जो हैं वो वर्क लगे हुए हैं गोल्ड के, जिसे गोल्ड लीफ कहा जाता है, और ये जो है ग्लास, यहाँ पर आपके पास ग्लास जार है इस तरीके का, ये आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप है,
और यहाँ पर आपके पास एक एल्युमिनियम फॉइल है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले केस में करके देखा, इसे अर्थ के साथ ग्राउंड कर दिया जाता है। अगर आपको किसी जिस्म पर आपको ये ना बताया जाए कि ये आया कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो अगर आपको ये मालूम करना हो तो आपको पहले इलेक्ट्रोस्कोप की जो डिस्क है इसे चार्ज करना पड़ता है। अगर आप किसी ऐसे क्लॉथ से, किसी ऐसी चीज़ से इसे रब करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव चार्ज मिल जाए, यानी कि किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के साथ अगर आप इलेक्ट्रोस्कोप को रब करें तो इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी के साथ रब करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा कि अगर लेट्स से कि मैंने इसे पॉजिटिव चार्ज बॉडी के साथ रब किया, इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर की डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है इसके फॉयल इसकी जो है लीव उसे ट्रांसफ़र हो गया। अब नेगेटिव चार्जेस जो हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लीफ में जो फैलाव है वो ज़्यादा है। अब अगर मैं कोई बॉडी इसके नज़दीक लाती हूँ, लेट्स से कि ये एक बॉडी में इसके नज़दीक ले आई, मुझे नहीं मालूम इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, तो चार्ज की मौजूदगी का पता इस तरीके से चलता है कि अगर तो इस बॉडी को इसके करीब लाने से इन फॉइल के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसका मतलब होता है कि इसके ऊपर वही चार्ज मौजूद है। तो इस बॉडी के ऊपर, ये जो पूरी की पूरी बॉडी है, इसके ऊपर वही चार्ज मौजूद है जो इस इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर मौजूद है। और अगर इस इनमें जो लीफ है, गोल्ड लीफ, इनमें अगर डिस्टेंस कम हो जाए, ये आपस में क्लोज हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये जो आपकी बॉडी चार्ज है इस पर ऑपोजिट चार्ज है, आपकी इलेक्ट्रोस्कोप के मुताबिक इस पर कोई ऑपोजिट चार्ज है। लेट्स से कि जैसे कि मुझे नहीं मालूम था इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर कोई चार्ज है, यानी कि मुझे नहीं मालूम कि इसके ऊपर कोई चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन इतना मालूम है कि ये चार्ज बॉडी है और इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क को मैंने किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के साथ रब करके इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन किया है, और इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज है इसकी जो गोल्ड फॉइल है उनमें कन्वर्ट हो गया। अब अगर इस बॉडी को मैं इसके करीब लाती हूँ और अगर इनके जो ये लीफ हैं इसमें डिस्टेंस बढ़ जाता है, लेट्स से कि डिस्टेंस जो है पहले की निस्बत बढ़ जाता है, तो जो चार्ज इन लीफ के ऊपर होगा वही चार्ज यहाँ पर आ जाता है। अगर ये नेगेटिव चार्ज हैं तो मैं इनको यहाँ पर लाऊंगी तो ये आपस में अट्रैक्शन करेंगे। लेट्स से कि एबोनाइट की रॉड थी, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन अब पर्स कर लीजिए, पता चल गया हमें इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से। तो देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आप इसकी डेमोंस्ट्रेशन इस तरह से भी दे सकते हैं कि ये चूँकि जो आपकी लीफ थे ये ज़्यादा फैला हुआ आ गया, और ज़्यादा फैला हुआ आने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो आप कह सकते हैं अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है हमारे पास जो चार्ज बॉडी है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। अगर लेट्स सपोज ये कैबोनाइट की रोड ही थी तो इसको इसके करीब लाने से यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी मौजूद थे, तो यहाँ पर जो है अट्रैक्शन होती है और अट्रैक्शन तो यहाँ पर हो गई, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है उसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज चले गए, और नेगेटिव चार्जेस जो चूँकि एक जैसे थे जिसकी वजह से हमारे जो गोल्ड लीफ हैं इनमें जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो गया। तो जो चार्ज आपके पास यहाँ पर आएगा इस जगह पर वही चार्ज आपकी जो है चार्ज बॉडी पर होता है। लेट्स सी कि अगर यहाँ पर ऑपोजिट चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज होता, तो आपके ये जो है लीव इन पर डिफरेंट चार्ज होना था और ये आपस में क्लोज हो जाने थे, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता कि इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज की ऑपोजिट चार्ज आपकी इस चार्ज बॉडी पर है। मीन्स ये कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क को किसी जिस्म से चार्ज करते हैं, किसी बॉडी से, अगर आप उसे पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इंडक्शन की वजह से आपकी जो लीफ है इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये हमारी पहली बात है। और अगर आप इसे नेगेटिवली चार्ज बॉडी से रब करेंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इंडक्शन की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेट्स से कि अब आप किसी नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इसके करीब लाए हैं, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन होगी, और अट्रैक्शन की वजह से जो है यहाँ पर अट्रैक्शन हो गई, और उसके बाद जो है इंडक्शन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गए, और जो आपके अवराक हैं वो मज़ीद फैल गए, क्योंकि इसकी वजह से भी तो थोड़ी बहुत इंडक्शन होगी ना, जिसकी वजह से अगर ये इनिशियल कंडीशन में थे तो ये मज़ीद फैल जाएंगे। तो आपको जो है वो पता चल जाएगा कि अब ये जो बॉडी है इसके ऊपर वही चार्ज है जो आपके यहाँ पर चार्ज है। लेट्स से कि अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन होती है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ। लेट्स से कि ये हमारे पास जो है वही वाली इलेक्ट्रोस्कोप है हमारी, इसे अब की बार मैं इस तरह से करती हूँ, ये सिचुएशन हमारी वन है, इसे सिचुएशन टू कह देते हैं।
ये हमारे गोल के लीफ वही वाले। अब अगर मैं कहती हूँ कि मैंने इसे नेगेटिवली चार्ज बॉडी के साथ रब किया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और इंडक्शन की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है रॉड के ज़रिए हमारे लीफ को डिलीवर हो गया। अब अगर मैं एक ग्लास रॉड लाऊँ तो ग्लास रॉड लाने की वजह से, चूँकि ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है, अब भी यहाँ पर अट्रैक्शन हुई, और यहाँ पर अट्रैक्शन होने की वजह से, इंडक्शन की वजह से, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आएंगे, तो इनमें जो है अभी भी फैलाव ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से पता चलेगा कि इस बॉडी पर वही चार्ज है जो आपके लीफ पर है। और तीसरी सिचुएशन आप ये कर लीजिए कि लेट्स से ये आपकी इलेक्ट्रोस्कोप है, इसके ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज बॉडी से इसको रब करके नेगेटिव ही चार्ज कर लिया, उसके बाद रॉड को आपने कॉर्क में लगाया और इसे इस ग्लास जार के अंदर रख दिया, और ये आपकी रॉड से बाहर जो है लीफ आ गई। ठीक है जी, यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से बनाना चाहिए था। ये हमारा जो है कॉर्क आ गया। अब अगर मैं नेगेटिव चार्ज बॉडी ही इसके करीब लाऊँ, मीन्स मुझे नहीं पता ये बॉडी क्या है, लेकिन लेट्स सपोज कि नेगेटिव चार्ज ही थी, हमें बाद में पता चला, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज अगर हो बॉडी, तो इंडक्शन की वजह से इस पर तो पॉजिटिव चार्जेस आ गए ना। अब चूँकि ये नेगेटिव और नेगेटिव आपस में तो रिपेल करेंगे, अगर इस तरह से कोई केस आ जाए कि दोनों ही सिमिलर चार्ज हो, आपकी बॉडी जिसे आपने किसी चीज़ से रब करके इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाया है, उसके करीब कोई ऐसा जिस्म आ जाए जिसके ऊपर सिमिलर इलेक्ट्रोस्कोप जैसा चार्ज हो, तो इनमें जो है रिपल्शन होती है। रिपल्शन की वजह से जो यहाँ पर है, यहाँ पर अब आपके पास रिपल्शन की वजह से पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और यहाँ नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, तो अब नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इनमें फैलाव कम हो जाता है, और आपको पता चल जाता है कि अब आपकी इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो डिफरेंट चार्ज है आपकी इस लीफ के मुताबिक। तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि किस बॉडी पर किस टाइम किस तरह का चार्ज है। लेकिन वो चार्ज मालूम करने से पहले अक्सर आपको जो है इलेक्ट्रोस्कोप को उस लिहाज से चार्ज करना पड़ता है। पॉजिटिवली चार्ज किसी बॉडी से रब करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज किसी बॉडी से रब करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसका एक यूज़ ये भी है कि इसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि कोई बॉडी इंसुलेटर है या कंडक्टर है, यानी कि चार्ज के साथ साथ किसी बॉडी पर चार्ज और चार्ज की नोयत के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि आया कि कोई बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर। लेट्स से कि आपकी ये इलेक्ट्रोस्कोप है, इलेक्ट्रोस्कोप के पास अगर आपके पास कोई एक ऐसी बॉडी आ जाए जिसको इसके साथ रब करते ही आपके ये जो फॉइल हैं इनमें जो फैलाव है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो इसका मतलब है ये जो चीज़ है ये कंडक्टर है, और अगर इनके ये जो लीफ हैं इसमें कोई भी फ़र्क ना महसूस हो, ना इनमें फैलाव आए और ना ही, यानी कि ना इसमें एक्सपेंशन हो और ना ही इनमें कंप्रेशन हो, तो इसका मतलब है कि ये इंसुलेटर है। और अगर थोड़ा सा नॉर्मल सा ही फैलाव महसूस होता हो आपको, थोड़ा सा ये ज़्यादा फैलते हो अपनी जगह से, तो इसका मतलब है कि जो चीज़ आप जिस चीज़ को आप इलेक्ट्रोस्कोप के साथ रब कर रहे हैं वो एक कंडक्टर तो है मगर एक बैड कंडक्टर है। तो इस तरीके से आपको कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में भी पता चल जाता है इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से। आपको ये भी पता चल जाता है कि कोई बॉडी किस तरह की चार्ज है, और उस पर अगर चार्ज है तो वो चार्ज कौन सा चार्ज है। तो होप्स आपको समझ आ चुका होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रोस्कोप को क्यों इस्तेमाल करते हैं, किसी भी बॉडी पर चार्ज मालूम करने के लिए, चार्ज किस किस्म का है ये मालूम करने के लिए, कोई कंडक्टर है या इंसुलेटर है ये भी मालूम करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में।